प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 10 सितंबर से प्रदेश में धार्मिक स्थलों के द्वार खुल जाएंगे। इसे लेकर एसओपी भी सरकार द्वारा जारी की गई है। एसओपी के अनुसार सिरमौर जिला प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन कमेटी को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसओपी के आधार पर प्रशासन ने सभी मंदिर प्रबंधनों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कई हिदायतें दी हैं। सिरमौर जिला भाषा अधिकारी अनिल हार्टा ने बताया, जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मंदिर परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 सितंबर 2020 से प्रदेश के धार्मिक संस्थानों के द्वार जो है वहाँ के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो है जो भी धार्मिक संस्थान है या उसके संचालन की वहाँ पर संचालन कर रही प्रबंधन समितियाँ हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जो है जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना करते हुए श्रद्धालुओं का मंदिरों में प्रवेश होगा। वो अपने देवी देवताओं के आराध्य इष्ट देवताओं के दर्शन कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो मंदिर परिसर है या पूरा मंदिर है उसको प्रॉपर तरीके से जो है सैनिटाइज किया जाएगा और इसके साथ साथ मंदिरों में जो घंटियाँ लगी है उनको या तो वहाँ से हटाया जाएगा या ढक दिया जाएगा ताकि श्रद्धालु जो है उनको स्पर्श ना कर सके। और इसके साथ साथ जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की जो अनुमति नहीं होगी और जो भी 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और बीमार और गर्भवती महिलाओं को भी जो है मंदिर में प्रवेश की अनुमति जो है नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारे जो मंदिर है या धार्मिक स्थल है उसके परिसर में किसी भी तरह का कोई भी अनुष्ठान मंदिर के पुजारी द्वारा नहीं किया जाएगा और कोई भी समारोह जो है मंदिर परिसर में आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। और इसके साथ साथ मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं उनके लिए प्रॉपर जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सभी श्रद्धालु रहेंगे और उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। ज़िला की जो भी मंदिर प्रबंधन समितियां हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी सभी मंदिरों को जो निर्देश जारी कर दिए हैं और वहाँ के उपमंडलाधिकारी जो जिला सिरमौर में उपमंडलाधिकारी है उनके माध्यम से भी जिलाधीश महोदय ने जो है निर्देश दिए हैं और भाषा संस्कृति विभाग के साथ जो मंदिर प्रबंधन समितियाँ जो विभाग के संपर्क में हैं, विभाग के सहायता अनुदान से जिन मंदिरों के लिए ग्रांट नेट जारी हो रही है उनको विभाग द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसमें विशेष करके शिरगुल महाराज जन्मस्थली छाया और श्री इतवारनाथ मठ मंदिर ठोडनिवाड़ और माँ भंगाणी मंदिर हरिपुरधार आदि मंदिरों को जो है विभाग ने अपने स्तर पर भी निर्देश। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से चंद्र ठाकुर।